अलीगढ़ के पहलवान लस्सी वाले सिंस 1989। इना जब अलीगढ़ आ रहे थे हम तो सबसे ज्यादा रिकमेंडेड जो शॉप थी वो यही थी लस्सी के लिए। तो यार ये वाली शॉप रिकमेंड थी कि अलीगढ़ आए और अलीगढ़ की लस्सी नहीं पी आपने, तो आपने कुछ नहीं पिया, लोगों ने ये तक बोल दिया था। पहलवान जी ने शुरुआत की थी अपनी शॉप, वो पहलवान थे, 3 रुपए का गिलास था, आज 30 रुपए का हो गया है, लेकिन टेस्ट वही है। नहीं, पहलवान थे और लस्सी की दुकान डाली और उसका नाम पहलवान रखा, ये तो कुछ इंटरेस्टिंग सी स्टोरी होने वाली है पूरी। सुपुत्र है मेरे साथ, बात करेंगे उनसे। पहले हमारे एक यहाँ पे बड़े कस्टमर हैं यहाँ पर, जो 90s में यहीं पर आते थे और सारे पैसे यहीं ख़त्म कर देते थे अपने, है ना। कब से आ रहे हो भैया यहाँ पे आप? मैं करीब 92-93 से इसको देख रहा हूँ शॉप को। हाँ जी। कितने साल के थे उस वक्त? मैं रहूँगा करीब 8-9 साल का। लस्सी भी? हाँ जी। वैसा ही टेस्ट? हाँ जी, मुझे तो वैसा ही लगता है। उस वक्त कितने रुपए की थी? मैंने 5 रुपए के आसपास मैंने पी है। क्या खास है लस्सी? कि मैं ऑल ओवर इंडिया भी काम कर चुका हूँ पर ऐसी लस्सी मुझे कहीं भी इंडिया में कहीं और नहीं मिलती। कहीं नहीं मिली? कहीं नहीं मिली। और भी हमारे साथ हैं ये लोग, कब से आ रहे हैं आप यहाँ पे? 30 साल से आ रही। मैं तो 30 साल से यही लस्सी पीते हैं। आता था गिलास कांच का बड़ा वाला। 1991 से हम यहीं पे पीने आते हैं लस्सी। बड़ा गिलास था कांच का, तब से पीते हैं। 3 रुपए का आता था, 7 रुपए का आता था, तो तब जो स्वाद था आज भी वही स्वाद है। स्वाद में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं, क्वालिटी वही है। महंगी तो नहीं लगती यहाँ की लस्सी? महंगाई के अनुसार थोड़ा तो बढ़ गई ना पैसे, तो एकदम प्योर है। प्योर है। चलिए, लस्सी के अलावा ही ना यहाँ पे छेना प्रोडक्ट्स भी है, छेना मिठाई भी अच्छी है। मिठाई भी अच्छी है, मिठाई भी लोग यहीं की खाते हैं। हाँ। आप बताइए क्या क्या इना जी यहाँ पे? यहाँ की मिठाई की खासियत ये है कि ये सब फ्रूट वाली है, मैंगो वाली, स्ट्रॉबेरी वाली, केसर वाली, है ना भैया। यहाँ पर यही सब को स्पेशलिटी यही है कि फ्रूट्स डाल के बनता है ये, तो उसमें क्या खास होता है? फ्रेश फ्रूट्स डालते हैं या एसेंस होते हैं उसके अंदर? का भी काम होता है, फ्रेश फ्रूट तो नहीं हो, एसेंस का ही काम है इसमें। आपका शुभ नाम क्या है सर? मेरा नाम मानिक चंद गुप्ता। मानिक चंद गुप्ता जी पहलवान जी के सुपुत्र हैं, और पहलवान वाली स्टोरी बताइए पहले, वो जानना चाहेंगे। पहलवानी करते करते स्वीट की दुकान कैसे खोल ली? स्वीट्स की दुकान 89 से खुली हुई है ये। सबसे मेन चीज़ है कि अपना स्टार्टिंग तो काम तो बहुत पहले से था, हमारे दादा के समय से था। अब दादा के बाद में उनके बच्चे आए, पहलवान जी आए हमारे, अब उनके हम आ गए, अब तीसरी पीढ़ी हम आ गए, हमने दादा की गए, और चौथी पीढ़ी वो आने वाले हैं अभी। आपने पहलवानी के बारे में नहीं सोचा, आपको भी पहलवानी आती है? आती है परंतु करी है। परंतु इतनी सक्षम नहीं हो पाई जो वो हुए। अलीगढ़ डिस्ट्रिक्ट वेट लिफ्टिंग हैवी रह चुके हैं, अलीगढ़ डिस्ट्रिक्ट चैम्पियनशिप। कितना मुश्किल होता है सर या बड़ा आसान होता है एक टेस्ट को बरकरार रखना, लोगों का प्यार मिलते रहे, कितना आसान होता है, मुश्किल काम है? नहीं, सबसे मेन चीज़ है क्वालिटी। क्वालिटी बनती है अपने शुद्ध माल से ही, बाकी के शुद्ध दही होता है, जो दूध हम पहले लेते थे वही दूध आज गांव से वही हायर करते हैं हम भी। हाँ, बाकी क्या शायद सर्दी हो या गर्मी हो, क्वालिटी आपको एक ही मिलेगी। 12 महीने लस्सी? हाँ, 12 महीने लस्सी मिलती है। कुछ उसकी खरीद में कमी आती है कि है ना, गर्मी में ज़्यादा बिकती होगी, सर्दी में कम बिकती है। गर्मी में बम्पर सेल। और बहुत तरह की लस्सी आपके पास? लस्सी हमारे पास पहलवान लस्सी है, एक तो एक स्मॉल है, इसके एक बड़ी है 500 ml का गिलास। अच्छा, पहलवान लस्सी भी है? पहलवान लस्सी का नाम है वो, बड़ी लस्सी है। अच्छा, इसका साइज जो है 500 ml है। अच्छा, बाकी का ये साइज 300 ml है। बाकी मैंगो लस्सी है, छोटा पहलवान है, छोटा पहलवान। बाकी की आपको मैंगो लस्सी है, ऑरेंज लस्सी है, स्ट्रॉबेरी है, पाइनएप्पल है, केसर बादाम है, शुगर फ्री है। शुगर फ्री? चलिए। और ये देखिए मिठाई भी है यहाँ पर, लस्सी भी है यहाँ पर, और ये लस्सी मैं अब पीने वाला हूँ ना। स्ट्रॉबेरी वाली है ये? नहीं, ये प्लेन लस्सी है, पहलवान स्मॉल प्लेन या स्ट्रॉबेरी? प्लेन स्ट्रॉबेरी, स्ट्रॉबेरी लस्सी मैं पीने वाला हूँ। आप पीना चाहेंगे? आप एक ही बार में? नहीं नहीं, इतना नहीं भाई। ये संकेत बहुत बढ़िया, मीठी मीठी लस्सी है, जबरदस्त।
मीठे खाने पीने के शौकीन है, मेरे लिए थोड़ा ज़्यादा है, लेकिन अगर मीठी लस्सी मीठी ना हुई तो क्या हुई, है कि नहीं? गढ़ वाले वैसे भी थोड़ा मीठा ज़्यादा खाते हैं। हाँ, चटपटा भी ज़्यादा खाते हैं, मीठा भी ज़्यादा खाते हैं। तो अच्छी लस्सी है, प्योर लग रही है, मलाई है ऊपर, इसमें इलायची पाउडर डाला हुआ है, तो इलायची का हल्का हल्का टेस्ट आ रहा है। 30 रुपये में वर्थ है, वर्थ है। हमारे यहाँ दिल्ली में यही गिलास 50-60 का मिलेगा, मतलब इतना, लेकिन अलीगढ़ है उसके हिसाब से रेट ठीक है और वर्थ है। और सुना है कि इनकी मिठाइयाँ भी बहुत अच्छी है, इना भी आपको एक टेस्ट करके दिखाने वाली है मिठाई, छेना, छेना वाली कोई सर आपकी स्पेशल छेना वाली सबसे वाली सबसे पॉपुलर वाली कौन सी है? मैंगो है, स्ट्रॉबेरी है, कौन कौन सी? अच्छा, इन सब मिठाइयों के नाम बता दीजिए वन बाय वन वहाँ से। क्या मैंगो लड्डू, ये आपके आ गया येलो रोल, केसर रसगुल्ला, स्ट्रॉबेरी रसगुल्ला, रसबरी, ये प्लेन आपका प्लेन रोल आ गया, ये आपका गोला बुरादा रोल आ गया, आपका गोला बुरादा रोल। तो अब मैं खाकर बताने वाली हूँ आपको कि कैसी कौन सा खाएगी मिठाई। अब जो इनकी सबसे पॉपुलर मिठाई है वो ये मुझे सर्व करने वाले। ये आप रसबरी बोलते हैं सर इसको? वाह, खा तू भी खाना। क्या सॉफ्ट है यार। अच्छा, बहुत बढ़िया। तो दोस्तों आपने बिल्कुल सही कहा था, पहलवान की लस्सी और मिठाइयाँ एवन है, ज़बरदस्त हैं। हमने टेस्ट किए हैं, लस्सी मैंने पी, मैंने कहा था रसगुल्ला नहीं खाऊंगा, लेकिन रसगुल्ला देख के मुझसे रहा नहीं गया और मैंने एक रसगुल्ला भी खा लिया, दूसरा रसगुल्ला खाऊंगा नहीं, मीठा बहुत खा लिया सुबह से। मज़ा आ गया यहाँ पे। अगर अलीगढ़ हैं या अलीगढ़ के आसपास हैं तो पहलवान स्वीट्स पर एक बार आना ज़रूर बनता है। यहाँ की लस्सी पीजिए, स्वीट्स लीजिए, स्वीट्स पैक कराइए और गुप्ता जी से मिलिए। गुप्ता जी बहुत इंटरेस्टिंग आदमी है, बहुत पहलवान साहब है, खुश मिजाज हैं एकदम, बहुत बढ़िया हैं। जल्दी से वीडियो को शेयर कर दीजिए, फेसबुक के पेज को हमारे फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए और यूट्यूब के बारे में बता दीजिए। हमारे YouTube चैनल को अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, क्योंकि इस तरह के वीडियो की अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचेगी। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और कोई फीडबैक है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। एग्जैक्ट एड्रेस क्या है गुप्ता जी इसका? जयगंज रोड खाई डोरा अलीगढ़। जयगंज रोड हाई डोरा अलीगढ़। चलिए जल्दी से वीडियो शेयर कीजिए। बाय बाय।